हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टावर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमारा पहला जो है इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको जो है हम छोटे ऑब्जेक्ट की जो है लार्ज इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। आज इसका हम रे डाइग्राम देखने वाले हैं। इसमें यूज होता है हमारा एक कॉन्वेक्स जो है लेंस। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक जो है लाइन खींचनी पड़ती है। उसके बाद आप एक पॉइंट ले लीजिए और 2 सेंटीमीटर इसके ऊपर खींच दीजिए, पॉइंट कर दीजिए। एंड 2 सेंटीमीटर इसके नीचे इसमें हमारा दो केस होता है। एक जब इमेज जो है हमारा नियर पॉइंट पर फॉर्म होती है यानी कि डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा होता है जब हमारी इमेज जो है इनफाइनाइट पर फॉर्म होती है या फिर रिलैक्स्ड आई या फिर नॉर्मल आई के लिए। तो इसके बाद आपको जो है इससे जो है ये ऐसे आपको मिला देना है कैंपस से। उसी तरह आपको इस तरफ से भी मिला देना है ताकि एकदम ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद आपको जो है एक एक सेंटीमीटर पे यहाँ पर मार्क कर देना है। देखिए, एक दोनों तरफ ये, और इसे हम मान लेते हैं फोकस F2, और हमारा हो गया 2F, ये भी हमारा 2F। देखिए, जब हमारा इमेज जो है नियर विजन पर फॉर्म होने के लिए हमारा जो है जो हमारी वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो हमारी फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। यानी कि हम अपना इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे, ये तो हमें इमेज फॉर्म के लिए हमारी रे खींचनी पड़ती है। तो एक हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाती है तो हमारी सेंटर से होकर जाती है। देखिए, सॉरी, पैरेलल जाती है तो हमारे फोकस से जाती है। और दूसरी रे हम जो है ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे जो कि हमारी सीधी जाती है, ये। अब आप देख सकते हैं ये जो दो रे जा रही है यहाँ पर मीट नहीं होगी, तो इसीलिए हमें इसे रे को बैक ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए, ये और ये हमारी इमेज फॉर्म हो गई, आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी कैसी फॉर्म हुई है लार्ज में। देखिए, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज हमारी इतनी बड़ी फॉर्म हो गई। तो आप देख सकते हैं जैसे इसे हम ए ले सकते हैं, बी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इमेज कैसी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रे है एक्चुअल में नहीं मीट हो रही है। वैसे अब हम देख सकते हैं जब इमेज जो है हमारी इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी उसके लिए हमें एक लाइन खींचते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम एक पॉइंट से हम 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करेंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे, और फिर हम इसे मिला देंगे तो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे। ये हमारा एफ हो गए, ये हमारे। तो फ्रेंड, अगर हमें जो है इमेज को इनफाइनाइट पे फॉर्म करना होता तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेना पड़ता, तो हमने यहाँ पर फोकस पे ले लिया है। तो हमें फॉर्म कराना है इमेज को, एक लाइन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं, ये देखिए, तो ये हमारी फोकस से जाती है, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी कहीं पर मीट नहीं हो रही है, ना कि आगे ही ना तो पीछे ही, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ज़रूर आप बना दीजिएगा कि किस तरफ किस डायरेक्शन में रे जा रही है ये। तो ये हमारी जो है यहाँ पे हमारी आईज होंगी, देखिए
और यहाँ पर आइस को हमारी दिखेगा। उसी तरह यहाँ पर हमारी आइस होंगी, इमेज जो है हमारा इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए और आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।